What's up, you guys? I hope y'all are doing good. I really, really, really enjoyed creating this eye look. Or agar aapko bhi pasand aa raha hai, so let's start. Well, hum sabse pehle start karenge by applying powder on the already concealed face. Maine foundation aur concealer already lagaya hua hai. Iske baad I'm just going in with this contour shade and creating a crease, kyunki concealer lagane pe meri crease gayab ho gayi thi. And then I'm going to pick up the bronzer kyunki mujhe ye color aur iska creaminess aur iska smoothness crease mein bahut pasand hai. It also gives us slight, very 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 slight shine jo mujhe bahut achhi lagti hai crease mein. So yeah, I'm just going to take that and blend the brown that I created. इसके बाद हम आउटर साइड को, आउटर लिड ऑफ द आई को थोड़ा सा स्मोक आउट करेंगे, जिसके लिए मुझे एक फ्लैट ब्रश लेना बहुत पसंद है. बिकॉज जैसे कि आप देखते हो कि मेरी आईज थोड़ी सी हुडेड है, तो फ्लैट ब्रश मेरी आईज के सॉकेट्स में और क्रीज में बहुत अच्छे से बैठता है. प्लस इससे मुझे प्रिसिशन मिलता है. एंड देन इसके बाद थोड़ा सा फ्लफी, नॉट कम्प्लीटली फ्लफी ब्रश यूज़ करके मैं उस स्मोक आउट या जो भी मैंने अप्लाई किया है राइट नाउ इन दिस वीडियो में मैं स्मोक आउट कर रही हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी. नाउ जब भी मैं कोई कलर लगाती हूँ, आई प्रेफर कि उससे पहले मैं वाइट शेडो लगाऊँ आँखों पे, सो दैट जो भी कलर अप्लाई कर रही हूँ वो अच्छे से दिखे. सो आई एम गोना यूज दीज टू कलर्स और उसको ब्लेंड करते करते आउटर आई से इनर आई तक लेकर जाना है. नाउ डार्क वाला जो कलर था वो मेकअप रेवोल्यूशन, जो भी मैं लगा रही हूँ वो मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट से है, सो उसका पिगमेंटेशन थोड़ा सा अच्छा है और उसको मैंने सेम फ्लैट ब्रश यूज़ करके अप्लाई किया. बट यू विल सी कि व्हेन आई ट्राई टू use the same flat brush and apply the lighter green color, uska payoff bahut zyada acha nahi tha, in which case I started using my finger and applying it. And as you can see, jaise hi aap apna haath use karte ho uska pigmentation automatically badh jata hai. Maine haath pe koi makeup fixing spray ya jaise ki main personally use karti hu rose water, wo sab kuch nahi kiya tha. Maine bas usko pick up kiya aur stick karna start kiya, and that's how it works. Then going back in and blending everything with a brush, मैं next color pickup करने वाली हूँ जो मैं on the top of light green use कर रही हूँ. अगर आपका dress light green है तो आप यहीं पर रुक सकते हो, but I wanted to do a darker green shade, so I went in with that. And layering the colors ensures that your eyeshadow sticks for a longer time and the pigment also is very good. जब भी आप सिर्फ हाफ ऑफ द आई को स्मोक आउट करते हो तो यूजुअली ये होता है कि बाकी के कलर्स लगाते लगाते वो स्मोकीनेस चला जाता है, इन विच केस आपको रीअप्लाई करना पड़ता है, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ. देन ऑफ कोर्स गोइंग इन विद द हाईलाइट, मैंने सिवाना का सेम पैलेट यूज़ किया है फॉर ब्लश, हाईलाइट एंड कॉन्टोर, और उसी का कॉन्टोर शेड मैंने अपनी आँखों में लगाया था ऑन द क्रीज. Time for the eyebrows. So eyebrows के लिए मैं एक obviously eyebrow brush use कर रही हूँ, but again मैं वो contour palette से contour वाला color pickup करके मैं अपने eyebrows fill कर रही हूँ. Because कभी कभी मुझे stark eyebrows पसंद है और कभी कभी नहीं. यहाँ पर मुझे eyebrows bushy चाहिए थे. मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू गो फॉर आई लाइनर. जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, मुझे विंग्ड आई लाइनर नहीं पसंद है, बट जो मैं यहाँ कर रही हूँ इतना या इससे थोड़ा सा और मोटा आई लाइनर मुझे अपनी आँखों पर बहुत अच्छा लगता है. सो या आई एम गोना डू दैट. देन ऑफकोर्स कम्स योर मस्कारा.
मैं फॉल्स लैशेस बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बट अगर आपको चाहिए कि मैं अपने वीडियोज़ में वो लगाना स्टार्ट करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई स्टार्ट डूइंग इट। देन ऑफकोर्स मैं कभी कभी लोअर लैशेस पे बिल्कुल मेकअप लगाना नहीं पसंद करती हूँ, सो व्हेन आई डोंट डू दैट आई डू दिस। मैंने एक ब्राउन पेंसिल लेके नीचे उसको बस वाटर लाइन में लगा दिया। देन ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू कम्प्लीट आवर फेस यूजिंग द सेम कॉन्टोर। आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस एंड ऑफकोर्स यूज द ब्लश एंड हाईलाइट एज वेल। You can use the same contour powder and contour your nose as well, but मुझे ये bronzer से अपनी nose को contour करना पसंद है because वो dark brown मुझे बहुत ज़्यादा dark लगता है और इससे थोड़ा सा natural look आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Then of course the last thing is to apply lipstick. I am going to use this amazing, very 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 cheap पेंसिल्स। ये मुझे ब्यूटी सेंटर से मिलती है। आई थिंक ये सिर्फ 190 या 200 रुपीस की है, बट ये वेरी लॉन्ग लास्टिंग है। डन, वेरी फेस्टिव लुक। अगर आप मुझसे पूछना चाहो तो आप इसको ओकेजन्स पे वेयर कर सकते हो, शादी में वेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू रिक्रिएट दिस लुक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी हैप्पी टू चेक ऑल द लुक्स दैट यू क्रिएटेड एंड लेट्स बी फ्रेंड्स ऑन ऑल द सोशल मीडिया। आई एम जबीन सारंग एवरीवेयर। बाय।